गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्कूटी की सारी वीडियो देख देख के आप लोग स्कूटी भी सीख रहे होंगे। आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट है, नीतू जी। आइए मैडम। और नीतू जी ने स्कूटी सीखी है मेरे से, और नीतू जी का कैसा एक्सपीरियंस है बताइए मैडम। मैंने आपके साथ बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, और आप बहुत अच्छा सिखाते हो मैम। और मैं आज मैं दिल्ली के सारे जगह घूमती हूँ, करोल बाग, घंटे वाला घर, झंडा मंदिर, वो भी अपने हस्बैंड को बैठा के, वो मंगोलपुरी दूर दूर तक जाती हूँ अपने हस्बैंड को बैठा के। और मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया। अब मेरे हस्बैंड कार सीख रहे थे, उन्होंने कार भी सीख ली, और ऑफिस में किसी की कार लेके घुमाते रहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रोडों पर चलाने की। और ये मैम को दिया है अपनी तरफ से गिफ्ट है मैम का, दक्षिणा दिया है सीखने का। और अब कार लाएंगे तो मिठाई और गिफ्ट अलग से देंगे। नहीं मैडम, नई कार आएगी, पहले मैडम के साथ ही बैठ के चलाएंगे, कहा है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैं बोल दिया है कि जब भैया गाड़ी लेंगे तो मैं उनको 2-3 दिन और प्रैक्टिस दूंगी, क्योंकि उनका डर तो निकल गया है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी रह गई है। और मैं तो इतनी खुश हूँ, मैडम ने गाड़ी सिखाई है तो मैं तो मैडम से बेहद खुशी हूँ। हाँ मैडम, जब कह रही है मत किया करो। देखिए ऐसा होता है कि गुरु तो गुरु है। नहीं, अब मैं तो अपने आप को इतनी ऊंची पर भी नहीं देती। पूरी कर दी है मैम ने बस। मैम पहले दिन आई थी तो मैडम स्कूटी में से निकल गई थी, मतलब स्कूटी छोड़ ही दी थी, और क्या बोला कि मैं नहीं जाऊंगी मैडम, तो ऐसे लग रहा कि डांटती बहुत है। मैंने डांटा आपको? नहीं, कभी नहीं डांटा मैडम। वो थोड़ा सी मेरी आवाज ही ऐसी है कि लगता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली, पर ऐसा नहीं है। अपनी फैमिली की तरह सिखाते हैं गाड़ी में, सबको ऐसे ही सिखाती हूँ जैसे मैं। गाड़ी का तो फौरन है, वो साइलेंसर है, वो थोड़ा आवाज करता है, इसलिए मैडम थोड़ा तेज बोलती है। हाँ बस ये रीजन होता है तेज बोलने का। वो तेज बोलेंगे नहीं तो हमको दूर तक सुनाई कैसे देगा, क्योंकि हेलमेट भी तो पहन के रखते हो आप लोग, तो इसीलिए। अब ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि देखो मैडम इतनी अच्छी स्कूटी चलाने लगी है कि मुझे इतना प्राउड इनके ऊपर हो रहा है। वैसे मुझे अपने हर स्टूडेंट पे प्राउड होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट थोड़े स्पेशल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, वो बात नहीं है। बात यह है कि इन्होंने मेरी हर एक बात को फॉलो किया, और उसका अंजाम क्या है बता दो। उसका अंजाम आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, और साइकिल आती है आपको चलानी? नहीं, साइकिल नहीं आती है मुझे। मैडम ने पहली बार मुझे गाड़ी पे बैठाया और गाड़ी सिखाया, आज मैं गाड़ी दौड़ाती हूँ। अब उस टाइम पे सब क्या कह रहे थे आपको, पहले साइकिल नहीं आती है तो गाड़ी कैसे सीखोगी, पहले साइकिल सीखो फिर ना गाड़ी सीखो, पहले हैंडल पे ध्यान दो कि पैंडल पे ध्यान देखो। नीचे तो, देखूंगी तो ऊपर टकरा जाऊंगी, ऊपर देखूंगी तो नीचे का भूल जाऊंगी। हाँ, तो अभी देखिए जिसको भी साइकिल नहीं आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो स्कूटी नहीं सीख सकता, सब सीख सकते हैं। और जिसको सीखनी हो ना वो मेरे पास आ जाए, मैं सबका स्वागत करती हूं। मैडम के पास आओ, मैडम बहुत अच्छी गाड़ी सिखाती है, यहाँ से सीख के ही भेजेंगी मैडम, बिना सीखे तो किसी को भेजती नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे लिए। आप भी। तो अब ये निशा है, इसने भी मैंने अभी इसकी वीडियो डाली, अभी एक ही डाली है तुम्हारी जो तुम मतलब चला रहे हो। हाँ। और अभी मैंने वीडियो दोबारी बना दिया इनकी, अब डालूंगी आज शाम तक। तो कैसा रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा सिखाती है। डरते हुए आते हैं पर मैडम के पास आके डर सारा निकल जाता है, मैडम इतना अच्छा सिखाती है। हैंडल पे पूरा फोकस रहता है मैडम, जब तक हैंडल संभाल नहीं लेते तब तक मैडम साथ चलती है, चाहे कितनी भी देर लगे, कोई डर है ही नहीं वहाँ पे। मैडम कोई रिस्क नहीं लेते हैं कि किसी को चोट लगेगी, क्योंकि भाई बहुत अच्छा सिखाती है। क्योंकि क्या होता है ना निशा, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में आए हो मेरे पास सीखने के लिए, तो अगर एक भी गलती आप लोगों से हो गई, या आप लोग घर पे भी सीखते हो, एक भी गलती अगर हो गई, मान लो अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी आप गिर गए, तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सारा खराब हो जाता है। तो कोशिश यही रखनी चाहिए, और मेरी भी यही रहती है, मैं अपने स्टूडेंट को भी सबको कहती हूँ कोशिश यही रखो कि शुरू में कोई गलती नहीं हो। देखो बाकी गिरना पड़ना वो तो रोड पे जब चलते हैं ना तो जेंट्स भी गिरते हैं, ये नहीं खाली लेडीज ही गिरती है, लेकिन मैडम के सिखाए हुए आज तक कोई नहीं गिरे है। ये प्रभु की कृपा, और आगे गिरे भी ना, ये उसकी कृपा है, ये घोड़ गिफ्ट दे दिया उसने मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्कूटी या गाड़ी सिखाऊंगी, जब मैंने गाड़ी सीखी थी तो मैंने अपने शौक के लिए सीखी थी। उसके बाद ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इस वीडियो को फिर कभी बनाऊंगी, आप अपनी डिटेल सबको बताऊंगी कि मैं कैसे इस लाइन में आई और मैंने कैसे ये काम शुरू किया। तो अभी आप लोग मेरी बस वीडियो देखो, फॉलो करो, और अगर वीडियो सीख सकते तो वीडियो सीखो, नहीं तो मोस्ट वेलकम, आप आके सीखो। मैडम बहुत अच्छा सिखाती है। थैंक यू निशा। साइकिल आती है तो इतना अच्छा ध्यान रखाती है, कोई बंदा गिर नहीं सकता है, पूरा हैंडल और ब्रेक पे इतना फोकस करवाती है तो कोई बंदा डगमगा भी नहीं सकता है। मैडम इतना अच्छा सिखाती है, हैंडल जो है ना हमारा, हैंडल सबसे मेन होता है। अगर ये हैंडल ही संभालना आया ना, अगर ये ऐसे ऐसे हिल रहा है तो फिर आपको बैलेंस संभालना नहीं आया, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा चीज़ है ना आपकी स्कूटी का हैंडल, यही आपको हर जगह लेके जाता है। जैसे गाड़ी में स्टेयरिंग होता है, इसमें हैंडल होता है,
लेकिन हमें इसको नहीं देखना, देखना हमें सामने ही। कभी आप लोग हैंडल को देख के सोचो कि इसको सीधा करूँ सीधा करूँ आगे ठोक दो, ये भी नहीं करना आप लोगों को। हैंडल और ब्रेक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है मैम, ये बहुत मेन चीज़ है। और देखो हर कोई है ना इतना डीपली बताता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरा स्टूडेंट आया मेरे पास तो वो अच्छे से सीख के जाए। जैसे मेरे बच्चे से गलती नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे मेरे किसी स्टूडेंट से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग भी सब मेरे बच्चों की तरह ही हो। तो अगर तुमने गलती कर दी तो समझो वो मेरा सिखाया हुआ फिर वो कुछ किसी काम का नहीं। अगर आपको गाड़ी स्कूटी सीखनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी आ सकते तो आप वीडियो देख के सीखें। और जैसे आज मैडम खुश है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे खुश रहें, अपनी मर्जी से स्कूटी चलाएं और अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गृहिणी के लिए। मैडम भी एक हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं साथ में छोटे छोटे दो, देख सकते हो आप खेल रहे हैं दोनों, और मैडम इनको लेके भी आती थी ठंड में भी, तो मैडम ने हिम्मत नहीं हारी और आज मैडम ने करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। और स्कूटी सीखने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी मैडम को होती है। हाँ, मेरा स्टूडेंट कोई भी सीखता है ना तो मतलब वो तो खुश होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि भाई मेरा स्टूडेंट सीख गया, अब ये कहीं जा रहा है, हाँ गिरेगा नहीं चोट नहीं खाएगा। बाकी देखो ऊपर वाले के हाथ में होता है सब कुछ, लेकिन अपनी तरफ से हम प्रॉपर कोशिश करते हैं कि कोई भी कमी ना रहे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। मतलब चला रहे हो, और अभी मैंने वीडियो दोबारा बना दिया इनकी, अब डालूंगी आज शाम तक। तो कैसा रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा सिखाती हैं। डरते हुए आते हैं पर मैडम के पास आके डर सारा निकल जाता है, मैडम इतना अच्छा सिखाती हैं। हैंडल पे पूरा फोकस रहता है मैडम, जब तक हैंडल संभाल नहीं लेते तब तक मैडम साथ चलती है, चाहे कितनी भी देर लगे। कोई डर है ही नहीं वहाँ पे, मैडम कोई रिस्क नहीं लेते हैं कि किसी को चोट लगेगी, क्योंकि भाई बहुत अच्छा सिखाती है। क्योंकि क्या होता है ना निशा, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में आए हो मेरे पास सीखने के लिए, तो अगर एक भी गलती आप लोगों से हो गई, या आप लोग घर पे भी सीखते हो, एक भी गलती अगर हो गई, मान लो अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी आप गिर गए, तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सारा खराब हो जाता है। तो कोशिश यही रखनी चाहिए, और मेरी भी यही रहती है, मैं अपने स्टूडेंट को भी सबको कहती हूँ कोशिश यही रखो कि शुरू में कोई गलती नहीं हो। देखो बाकी गिरना पड़ना वो तो रोड पे जब चलते हैं ना तो जेंट्स भी गिरते हैं, ये नहीं खाली लेडीज ही गिरती है, लेकिन मैडम के सिखाए हुए आज तक कोई नहीं गिरे है। ये प्रभु की कृपा है, और आगे गिरे भी ना ये उसकी कृपा है, ये गॉड गिफ्ट दे दिया उसने मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्कूटी या गाड़ी सिखाऊंगी, जब मैंने गाड़ी सीखी थी तो मैंने अपने शौक के लिए सीखी थी। उसके बाद ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इस वीडियो को फिर कभी बनाऊंगी, आप अपनी डिटेल सबको बताऊंगी कि मैं कैसे इस लाइन में आई और मैंने कैसे ये काम शुरू किया। तो अभी आप लोग मेरी बस वीडियो देखो, फॉलो करो, और अगर वीडियो सीख सकते तो वीडियो सीखो, नहीं तो मोस्ट वेलकम आप आके सीखो। मैडम बहुत अच्छा सिखाती है। थैंक यू। निशा साइकिल आती है?